نطلع المنتجات الهندية بسبب رسالة الرسول، وحنا كشعب كويتي ومسلم لا نرضى رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. صراحة مقاطعة الهند هذا شيء مفروض على كل مسلم وعلى كل دولة، لأن هذه تخص الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي يخص الرسول يعم على المسلمين كلهم. فيجب على كل الدول الإسلامية وعلى كل الأفراد أن يقاطعون جميع البضائع الهندية، ولا وتكون ردة فعل يأخذ بها بالاعتبار. يعني ऑफिशियल हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर हिंदुस्तानी सफीर को वापस भेजें और हिंदुस्तान से अपनी सफीर को वापस बुलाएं और इसी तरह से हिंदुस्तान का मुकम्मल माशी बायकॉट किया जाए, सफारती बायकॉट किया जाए, हर तरह से उसको दुनिया में निहत्ता किया जाए ताकि उसे यह एहसास हो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना यह कोई मामूली जुर्म नहीं है, यह बड़ा संगीन जुर्म है। इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए हैं, पूरे उम्मत मुस्लिमा के दिलों को इन्होंने ज़ख्मी किया हुआ है। आसम से गुजारिश करेंगे नहीं, बल्कि उनसे डिमांड करेंगे कि नूपुर शर्मा जैसी गुस्ताख को पार्टी से निकालना काफी नहीं है, बल्कि जो उसके खिलाफ एफआईआर हुई है उसमें एनएसए के तहत देशद्रोही के खिलाफ देश विरोधी जो उसने हरकतें की हैं, पूरे मुल्क में आतंक फैलाया है, उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और उसको गिरफ्तार करके जेल में ठोसना चाहिए।